ना। अभी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लगभग सामान आ गया, डीजे का सामान आ गया, चेयर आ गई है और एक दो और चेयर आ गई यहाँ पे। और साथ में आपको दिखाते हैं कि नीचे पे हल्दी की तैयारी भी हो रही है। अभी घर के चौक में हो रही है हल्दी की तैयारी। यहाँ देखो आप, पूरी पिठाई, चाची जी, मम्मी और यहाँ पे ताई जी। तो फाइनली अभी अभी ना हल्दी हाथ कंप्लीट हुआ है और वहाँ नीचे पे तो ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ लग रही, वहाँ तो भाई ज़्यादा हो गया। और यहाँ नीचे पे मंडप सज रहा है और साथ में अभी आगे की तैयारी भी चल रही है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको कि शादी में क्या क्या होता है पहाड़ी, तो दिखाते हैं। और गाने के साथ तो वीडियो भी नहीं बन पाती है क्योंकि कॉपीराइट वैसे भी लग जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आती उसमें। भाई क्या है तेरा नाम? अमन। तो अमन भी आ गया यहाँ पे। और मैंने बताया ना कि शादी की जब मतलब वीडियो बनती है ना, तो उस टाइम पे गाने चलते रहते हैं तो उस पर कॉपीराइट लग जाता है, तो फिर मजा नहीं रहता है। तो इसलिए अभी तो इस टाइम नहीं है, बाकी गाने नहीं चल रहे हैं अभी, अभी थोड़ा शिफ्टिंग हो रहा है तो इसलिए नहीं चल रहे। करीब हो गया होगा भाई हमको 2 घंटे, तब से हमने एक टेंट लगाया, क्या करे, हवा ज्यादा हो रही है ना भाई इस कारण। ये देखो तो अभी एक ही काम का पार्ट कि टेंट लगाने का, तो अभी टेंट भी लगाया जा रहा है, सब लोग मदद कर रहे हैं। और ये देखो अभी इसको खड़ा किया जा रहा है और यहाँ पे इतनी भयंकर वाली हवा है ना, क्या ही बताएं। यहाँ पे देखो तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 3:30 और यहाँ पे देखिए आटा गूंदा जा रहा है और शाम की तैयारी होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि शाम के टाइम पे सब लोगों के लिए खाना शादी में होता है। तो देख सकते हो अभी गोलू हो गया और अशोक लगे हुए हैं आटा गूंदने पे, और वो भी इतने बड़े बर्तन पे आटा, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा है। और इतना ही एक और बारी, इतना ही और गूंदा है तब जाके होगा, ऐसा कुछ भैया। और साथ में यहाँ पे देखिए पकौड़े तले जा रहे हैं मेहमानों के लिए, सब के लिए। देखो पकौड़े हो गया, सब चीज़ बनता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं पहाड़ों में ना, शादियों में जो भी चीज़ बनती है वो सब मतलब आसपास के लोग ही बनाते हैं, मतलब जितने भी मतलब अगल बगल पड़ोसी होते हैं ना वही खाना बनाते हैं, तो अभी सब लोग मिलकर के खाना बनाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है पहाड़ों में। और पकोड़े तलने के बाद देखो यहाँ पे हलवा बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पे हलवा बनाया जाता है, मतलब सोचो आपकी सबके लिए बन रहा है, मतलब पूरे गांव के लिए तो कितना ज़्यादा बनेगा, तो एक अलग ही स्टाइल होता है हलवे बनाने का। और अब इसमें पूरा भुन जाने के बाद इसमें पड़ता है गुड़, देखो आप कितने प्यारे ढंग से इसमें गुड़ पड़ रहा है, और अब इसको पूरा मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें गर्म पानी डाला जाता है। दादा 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 द
फाइनली हलवा बनके तैयार, और इसको साइड में रखते हैं और अब चलते हैं हम दूसरी काम पे। तो इस जगह पे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी आलू को काटा जा रहा है। तो ज़्यादातर सब्जी बनती है आलू गोभी की, तो अभी पूरे आलू काटे जा रहे हैं। एक बार ढंग से आलू कटते हैं, और अभी तो देखो आप सब जगह आलू कटे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो पूरी सब्जी भुनी जा रही है, वैसे आलू भी डाले जा रहे हैं अभी देखो आप। तो अभी मतलब साथ में आलू कटते हैं और साथ में उसको मतलब पूरा भुना जाता है, तो ऐसा कुछ पहाड़ों में होता है, देख सकते हो आप लोग। ये देखो आलू पड़ ही रहे हैं और उनको भुना ही जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा आलू। और इसके बाद इसके ऊपर से गोभी पड़ेगी। गोभी और आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, और बड़े बर्तन में ना ज़्यादा में तो इतनी ज़्यादा होती है कि क्या ही होता है, बहुत मज़ा आता है। और अब सब्जी तैयार होने के बाद पूरियों की बारी। अब पूरी बनती है भाई, बहुत ही ज़्यादा पूरी, तेल देख रहे हो आप भाई साहब। और यहाँ पे मेहमानों के लिए नाश्ते की तैयारी हो रही है, ये देखो आप। तो अभी रसोई में देखिए यहाँ पे घर के लिए खाना दिया जा रहा है, और इस खाने को बोला जाता है परोसा, मतलब लोग अपने घर ले जाते हैं खाने के लिए, जो दूर दूर के लोग होते हैं ना, तो वो ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए सबको ऐसा दिया जाता है घर के लिए खाना। Take a look at your body, let's see.